नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल वी ओवरसीज। दोस्तों, आज का वीडियो मैंने रिपोर्ट के बारे में बनाया। ये रिपोर्ट मेडिकल की रिपोर्ट जो कोरोना टेस्ट होता ना इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, अभी कोरोना के लिए मतलब एक कंपलसरी हो गया कि कैंडिडेट को कोविड का टेस्ट करना कंपलसरी है। अभी जो भी रिपोर्ट होता ना, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को मदद मिल सकती है। अभी जैसे जो भी हम रिपोर्ट करते हैं ना, रिपोर्ट का ड्यूरेशन क्या होता है, रिपोर्ट कब करना चाहिए, रिपोर्ट कहाँ से करना चाहिए, वो सब चीज़ के लिए इस वीडियो मैंने जानकारी कलेक्ट की है। दोस्तों, अभी किसी भी देश में जाएंगे आप, अभी वैक्सीन नहीं आई, जब तक वैक्सीन आने वाली है वो अलग बात है, हम सबको पता है कि कुछ दिन बाद वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आई तब तक ये रहेगा कि जो भी ट्रैवलर, जो भी पर्सन अगर आउट ऑफ इंडिया जाने वाले हैं उनको कोविड का टेस्ट करना कंपलसरी है। अब ये कोविड का टेस्ट कब करना होता है, वैसे कोविड का टेस्ट 96 आवर्स पहले करना होता है, मीन्स 4 दिन पहले आपको कोविड का टेस्ट करना है, और रिपोर्ट 72 घंटे, मीन्स जो रिपोर्ट काउंट की जाती है वो 96 आवर्स मैक्सिमम है। जैसे सपोज कीजिए आपकी अगर 30 तारीख की फ्लाइट है तो आपको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा 26 तारीख को। 26 तारीख को टाइमिंग 96 आवर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि अगर किसी की लंबी जर्नी है, जैसे मान लीजिए अगर कोई यूएसए जाने वाला है और उसका एक दो जगह हॉल्ट है, 2-3 जगह ब्रेक जर्नी के रूप में है, तो उसका क्या होगा, उसके लिए कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट होगा, कोई भी इंसान, अगर वो एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर जाते हैं उसके बाद बाकी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की और वो एयरलाइंस की होती है। मीन्स 72 आवर्स के अंदर बंदा अगर एयरपोर्ट पर एंट्री करता है, 72 आवर्स लेकर 90 आवर्स के बीच में, तो डेफिनेटली उसके कोविड टेस्ट को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर वो लास्ट मोमेंट पे आएगा तो डिपेंड ऑन द एयरलाइंस, कभी कभी कंसिडर कर सकते हैं, कभी कभी नहीं कर सकते, लेकिन 72 आवर्स कंफर्म है। ये हर एयरलाइंस मीन्स परमिट करती है, कोई भी कैंडिडेट जिसका कोविड टेस्ट का जो रिपोर्ट है अगर वो 72 आवर्स पहले का है तो सभी एयरलाइंस परमिट करती है, लेकिन 96 आवर्स के लिए कुछ एयरलाइंस परमिट नहीं भी करती है। सी, इसमें क्या होता है कि आप कोविड टेस्ट किया और आप एयरपोर्ट पे गए और परमिट नहीं किया, टाइम वेस्ट हुआ, फ्लाइट का फेयर फालतू जाएगा और उसके बाद में अगेन आपको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद फ्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मैंने क्या दी, इन्फॉर्मेशन है कि जो कोविड का टेस्ट करना है वो आपको RT-PCR का करना, रियल टाइम PCR का रिपोर्ट करना है, और ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है, ये रिपोर्ट आप किसी भी एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक डिवीजन अलग से बना दिया है उन्होंने कोविड टेस्ट के लिए, वहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम बड़े बड़े जितने एयरपोर्ट हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई, इन एयरपोर्ट पर एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कोविड टेस्ट करता है, और वो कोविड टेस्ट लाइक आपको विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट मिली जाएगी, कन्फर्म है। बाकी जगह कभी कुछ कुछ पैथोलॉजी लेबोरेटरीज होती ना, वहाँ पर आप कोविड का टेस्ट करते हैं तो कभी आपको 25 घंटे बाद, 30 घंटे बाद, 36 घंटे बाद भी रिपोर्ट नहीं मिलती है, कुछ जगह ऐसा भी है, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे करेंगे तो कंफर्म है कि आपको 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट कंफर्म मिल जाएगी, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको टाइम पर करना होता है। वैसे ऑलमोस्ट मैक्सिमम जगह 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर कभी कभी 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे भी लेट हो जाता है, और ये नॉर्मल है क्योंकि कभी कभी उनको भी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको बाहर जाना है तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग करके जाएं, आपका जो टिकट है या आपका ट्रैवल डेट है, टिकट बुक नहीं हुआ तो आप कोविड का टेस्ट ऐसे करके जाना कि आपको कम से कम 3 दिन का टाइम मिले, मैक्सिमम 3.5 दिन का, 4 दिन का लास्ट मोमेंट का लेके मत चलना, ठीक है। अगर 72 घंटे के बाद का मिस अंदर का प्लान है तो बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आगे भी इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और जो लोग भी मेडिकल के लिए जाने वाले हैं वो लोग एयरपोर्ट के सेंटर पर जाएंगे तो बेस्ट होगा, बाकी जो भी ICMR की वेबसाइट पर जिनका नाम है उन रजिस्टर्ड लेबोरेटरी पर जाएंगे तो डेफिनेटली उनको सही सपोर्ट मिलेगा और रिपोर्ट सही मिलेगी जो वैलिड होगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।